हाय फ्रेंड्स, मैं सजाद अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ में स्कैन करके कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है कैम स्कैनर। तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे कैम स्कैनर। कैम स्कैनर टाइप करने के बाद यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए, हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करना है। हम इस एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसके द्वारा आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस ऐसा शो करता है। तो मान लीजिए कि हम लोग का एक कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक बुक है, उसका एक पेज को स्कैन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे कैमरा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, स्कैन डायरेक्टली यहाँ पे इसको कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए कि इतना ही इसको रखना है, तो यहाँ पर इसको कर देंगे, छोटा कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे नाम पूछेगा। वैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नाम दे दिया सोनू। देने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे ये सेव हो गया सोनू नाम से। यहाँ पे पीछे जाएंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आपको शो कर रहा है सोनू नाम का, ठीक है। यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी दूसरे का शेयर करना है तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे शेयर के ऑप्शन में। व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, मैसेंजर पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या पीसी है तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।